Hey dear, welcome back to my channel. I'm Indu Tiwari, specialized in pharmacology. So today we will discuss about some tests for quality control of sterile products. जब भी हम parenteral preparations की बात करते हैं जिन्हें हम injection के form में देते हैं तो उनका sterile होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि directly वो हमारे blood तक जाते हैं ठीक है तो जब भी हम इनको manufacture करते हैं उस time तो हम इनका ध्यान रखते ही हैं that means जो हमारा manufacturing area होता है वो बहुत ज़्यादा clean होता है ठीक है जहाँ पे manufacturing करी जाती है या फिर sampling वगैरह करी जाती है वो हमेशा एक room separate होता है जिसे हम बोलते हैं aseptic area ठीक है वहाँ पर laminar air flow का use किया जाता है इसके अलावा भी और सारे chemicals का या फिर gases का use कर सकते हैं हम उस room की sterility को maintain करने के लिए सो दैट जो भी हम प्रिपरेशन बनाएं वो बिल्कुल स्टराइल प्रिपरेशन बने ठीक है अब सपोज कर लीजिए हमने प्रिपरेशन बना दी बट उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं दैट मीन्स उसकी हमें टेस्टिंग करनी पड़ती है कि जो हमने प्रिपरेशन बनाई है वो हमारे बॉडी के लिए एज अ पेरेंट्रली यूज़ करने के लायक है या नहीं है ठीक है तो उसके लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं तो उन्हीं टेस्ट को बोला जाता है या तो क्वालिटी कंट्रोल फॉर स्टेराइल प्रोडक्ट्स और वी कैन से स्टेरिलिटी टेस्टिंग फॉर पेरेंट्रल प्रिपरेशंस ठीक है तो इसमें मेनली चार टाइप के टेस्ट होते हैं जो कि मेनली सारे पेरेंट्रल प्रिपरेशंस के हमें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें कि फर्स्ट आता है स्टेरिलिटी टेस्टिंग सेकेंड आ जाता है पायरोजन टेस्टिंग थर्ड आ जाता है क्लियरिटी टेस्टिंग और फोर्थ आ जाता है जिसे हम बोलते हैं लीकेज टेस्ट ठीक है कि हमने कोई भी पेरेंटल प्रिपरेशंस बनाई है तो फर्स्ट हम उसमें चेक करते हैं उसकी स्टेरिलिटी दैट मींस जो भी हमने प्रिपरेशन बनाई है उसमें कितना अमाउंट हमारे माइक्रोब्स का प्रेजेंट है बाय चांस अगर प्रेजेंट है तो उससे क्या पता चलता है कि बाय चांस अगर थोड़ा सा भी अमाउंट हमारी प्रिपरेशन में किसी भी माइक्रोब या वायरस किसी का भी है तो वो आगे जा करके मे बी विद इन वन वीक विद इन वन मंथ विद इन वन ईयर हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ चांसेस हो जाएं कि उसमें कंटामिनेशन हो जाए ठीक है तो वो रेट कितना है या फिर नहीं है उस चीज़ को चेक करने के लिए हम स्टेरिलिटी टेस्टिंग कर लेते हैं ठीक है तो इसके भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि अगर जो हमने सैंपल लिया है उसमें अगर हमें थोड़ी सी भी ग्रोथ दिखती है माइक्रोब्स की दैट मीन्स जो सैंपल है वो फेल हो जाता है ठीक है या तो फिर उसे दोबारा से टेस्ट करा जाता है दोबारा से अगर टेस्टिंग में सेम चीज़ आती है तो वो उस टेस्ट को उस प्रिपरेशन को हम कैंसिल मानते हैं ठीक है तो ऐसे ही जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग है इसके दो मेथड से मेनली जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है मेथड ए को मेनली बोला जाता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड ठीक है अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे इसे जो सेकंड मेथड होती है उसे बोलते हैं डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड ठीक है तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड के बारे में तो स्टेरिलिटी टेस्टिंग में सबसे फर्स्ट मेथड होती है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड ठीक है नाम से ही समझ रहे हैं कि मेम्ब्रेन से हम फिल्ट्रेशन करवाएंगे ठीक है अब फिल्ट्रेशन किसका करवाएंगे सबसे पहले ये देखिए रेड कलर का मैंने एक वायल बनाया है ठीक है ये हमारी टेस्ट प्रिपरेशन है जो कि हमने हॉस्पिटल के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन था उसके अंदर हमने प्रिपेयर की है एक टेस्ट प्रिपरेशन ठीक है सपोज कर लो कि कोई इंजेक्शन है इंजेक्शन को हमने वायल के अंदर भरा हुआ है ठीक है तो इसी को हम टेस्ट प्रिपरेशन बोल रहे हैं तो टेस्ट प्रिपरेशन बोलूँगी तो हमने समझ जाना है कि जो हमने प्रिपेयर करी है कोई भी फॉर्मुलेशन वो हो सकती है उसको हमने बोला है टेस्ट प्रिपरेशन ठीक है या फिर टेस्ट सैंपल ठीक है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में एक मेम्ब्रेन फिल्टर लेंगे ठीक है मेम्ब्रेन फिल्टर क्या होगा एक टाइप का फिल्टर होगा जिसका जो पोर साइज है वो 0.45 माइक्रोन होगा ठीक है दैट मींस इतना छोटा पोर साइज इसका होगा तो इस मेम्ब्रेन को सबसे फर्स्टली हम क्या करेंगे थोड़ा सा मॉइस्ट कराएंगे ठीक है मॉइस्ट कराएंगे ताकि जो भी फिल्ट्रेशन है वो ईजिली हो जाए ठीक है तो मॉइस्ट कराने के लिए सबसे पहले हम इसको पेप्टिक डाइजेस्ट सोल्यूशन से इसको पास करवाएंगे ठीक है कि मेम्ब्रेन हमने रखी उसके ऊपर हमने पेप्टिक डाइजेस्ट सॉल्यूशन डाल दिया जिससे कि मेम्ब्रेन थोड़ी सी मॉइस्ट हो गई नेक्स्ट में हम क्या करेंगे जो हमारा टेस्ट सैंपल है इसको इससे फिल्ट्रेट करवाएंगे ठीक है तो टेस्ट सैंपल इससे फिल्टर हो गया तो जितना सैंपल नीचे कलेक्ट हुआ उसको हम सेपरेट कर लेंगे ठीक है अब हम इस मेम्ब्रेन को क्या करेंगे जो हमारी मेम्ब्रेन है इसको हम वॉश करवाएंगे ठीक है मेम्ब्रेन हो गई इससे फिल्ट्रेशन हो गया फिल्ट्रेशन के बाद उसको वॉश करवाएंगे तो वॉश कराने के लिए हम क्या करते हैं 100 ml ऑफ पेप्टिक डाइजेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं ठीक है तो पेप्टिक डाइजेस्ट सॉल्यूशन जो हमने पहले भी लिया था उससे इसको फिल्टर करवाएंगे फिल्टर करवाने के बाद हम क्या करेंगे इसको फिल्टर भी हमें 3 टाइम पे कराना है ठीक है मतलब एक साथ हमें 3 बार इसको 100 ml के पेप्टिक डाइजेस्ट सॉल्यूशन से पास करवाना है ठीक है इसको एक वॉशिंग देनी है तो वॉशिंग देने के बाद हम क्या करेंगे जो हमारी मेम्ब्रेन बच जाएगी मतलब जो हमारी मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या करेंगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे ठीक है तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम क्या करेंगे जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसको हम अलग कर लेंगे और जो सेकेंड वाला पार्ट है इसको हम अलग कर लेंगे ठीक है तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें हम इसको हम ट्रीट करवाएंगे फिर एक मीडियम से अब हम ऐसा क्यों करवा रहे हैं कि बाय चांस जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन था इसमें बाय चांस अगर कोई भी इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है कोई माइक्रो बैक्टीरिया कुछ भी अच्छी चीज प्रेजेंट होती है तो अगर उसे कोई मीडियम मिलेगा मीडियम इन द सेंस कि अगर उसे खाना पीना मिलेगा रहना मिलेगा अच्छी जगह तो वो क्या करेगा अच्छी तरीके से ग्रो करेगा ठीक है तो सेम चीज़ के लिए कि अगर कोई बाई चांस इसमें बैक्टीरिया माइक्रो प्रेजेंट है
तो उसको ग्रो करवाने के लिए हम एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस मीडियम को हम बोलते हैं फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो हमारा ये मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हम एक उसमें प्लेस करेंगे और इसमें हम एक लिक्विड मीडियम ऐड कर देंगे जो कि है फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये ऐड करने के बाद क्या होगा, अगर इसके अंदर कोई माइक्रो प्रेजेंट होगा तो वो ग्रो होगा, लेकिन ग्रो होने के लिए उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो हम किसको क्या करेंगे, एक इंक्यूबेटर के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। जो ये ब्लू कलर का मैंने इसके बाहर से बॉक्स बनाया है, सपोज कर लो कि एक इंक्यूबेटर है, ठीक है। तो इंक्यूबेटर में हम इसको 32-35 डिग्री के लिए डिग्री सेंटीग्रेड तक रखेंगे अप्रॉक्सीमेटली 7 डेज के लिए, ठीक है। 7 डेज से कम में नहीं रखना है, 7 डेज से ज़्यादा हो सकता है बट 7 डेज के लिए तो रखना ही रखना है, ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ आ जाते हैं, जो उसकी सेकेंड मेम्ब्रेन रह गई थी उसको फिर से हम क्या करेंगे, एक दूसरे मीडियम से हम इसको ट्रीट करवाएंगे। फर्स्ट हमने ट्रीट करवाया था इसे फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट ग्लाइकोलेट मीडियम से, नेक्स्ट हम इसे ट्रीट करवाएंगे सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम से, ठीक है। अब इसमें एक और बात आती है कि हम इसमें दो अलग अलग मीडियम क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर ग्रोथ आनी होगी तो एक मीडियम में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग मीडियम को जब हम यूज़ करते हैं तो उससे जो चांसेस होते हैं हमारे जो टेस्ट रिजल्ट आने के वो ज़्यादा एक्यूरेट हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम अलग अलग मीडियम यूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बैक्टीरिया उसमें ना ग्रो कर पाए या कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इसमें में भी ग्रो कर जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम ये मीडियम देते हैं सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम। तो इसके लिए हमें लगभग 22-25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर चाहिए होता है और इसको भी 7 डेज के लिए हमें मिनिमम रखना ही पड़ता है, ठीक है। तो इसको इंक्यूबेट करवाएंगे और इसको भी इंक्यूबेट करवाएंगे। अब इंक्यूबेशन के बाद इसमें रिजल्ट कैसे आएगा, तो सपोज कर लो इस वाले उसमें ग्रोथ आ गई माइक्रोब की, इस वाले उसमें नहीं आई, तो क्या करेंगे, इस वाले जो पूरा प्रोसीजर था इसको फिर से रिपीट करवाएंगे, ठीक है। अगर फिर से रिपीट करवाने के बाद भी सेम रिजल्ट आता है कि माइक्रोब की ग्रोथ आ रही है, दैट मीन्स जो हमारा सैंपल था, जो हमारा टेस्ट सैंपल था, ये फेल हो गया, ठीक है। अगर दोनों में से किसी में भी ग्रोथ नहीं आती है माइक्रोब की, दैट मीन्स जो हमारा टेस्ट सैंपल है वो पास हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट मेथड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। सो सेकंड मेथड है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड, ठीक है। तो नाम से ही समझ रहे हैं कि इसमें डायरेक्टली हम इनोकुलेट कर देते हैं, दैट मीन्स डायरेक्टली हम इसको मीडियम में ऐड कर देते हैं। जैसे पहले वाले में हमने फिल्ट्रेशन करा था, इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्टली हम सैंपल लेंगे, रेड कलर की बॉटल टेस्ट सैंपल है, ठीक है। तो टेस्ट सैंपल में हम क्या करेंगे, कोई सा भी ग्रोथ मीडियम हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सोयाबीन केसिन मीडियम भी कर सकते हैं, इसके अलावा कोई सा भी मीडियम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, ऐड भी हम कैसे करेंगे, बिल्कुल एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर, दैट मीन्स लेमिनार एयर फ्लो के अंदर ही इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इंक्यूबेशन के लिए रख देंगे, ठीक है। इंक्यूबेशन के लिए भी अप्रॉक्सीमेटली 14 डेज तक इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। अब 14 डेज तक जब हम इंक्यूबेशन के लिए रखेंगे तो हमने क्या देखना है कि 14 डेज बाद उसमें ग्रोथ हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है कि अगर जो ये इंक्यूबेशन पीरियड है 14 डेज का, इससे पहले ही इसमें ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाती है या फिर पहले ही से थोड़ा सा ये धुंधला सा होना स्टार्ट हो जाता है, तो क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा सैंपल लेकर के फिर से इसको नए मीडियम में, फ्रेश मीडियम में डाल करके फिर से इसको इंक्यूबेट कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसलिए करते हैं कि अगर माइक्रोब्स की ग्रोथ आ रही है तो कितने कंसंट्रेशन में उसकी ग्रोथ आ रही है, तो अगर ग्रोथ आती है तो ऑलरेडी जो हमारा टेस्ट सैंपल है वो फेल है, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है स्टेरिलिटी टेस्टिंग की। सो नेक्स्ट वन इज लीकेज टेस्ट। तो नाम से ही समझ आ रहा है कि लीकेज टेस्ट, इसमें हम टेस्ट कर लेते हैं कि कहीं पे लीकेज तो नहीं है। अब लीकेज किसमें टेस्ट करेंगे हम, कि जो भी हमने स्टराइल प्रिपरेशन बनाई है उसको हम वायल्स या फिर एम्प्यूल्स में फिल करेंगे, ठीक है। तो उन वायल्स या एम्प्यूल्स को हम क्या करते हैं, पहले वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, हमने इसमें स्टराइल प्रिपरेशन को फिल कर दिया, फिल करने के बाद क्या करते हैं, इनको फ्यूजन मेथड से इनको जैसे यहाँ से मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद इनको यहाँ से हम जोड़ देते हैं आपस में, ठीक है। तो अब जब हमने इनको फ्यूज़ कर दिया है तो हमने ये टेस्ट करना है कि जब हमने फ्यूज़न करा है उसमें कहीं पे कोई ऐसा मतलब ऐसी थोड़ी सी जगह तो नहीं रह गई जहाँ से कि ये जो हमारी प्रिपरेशन है वो बाहर आ सकती है, या फिर बाहर का कंटामिनेशन की वजह से अंदर की प्रिपरेशन कंटामिनेट हो सकती है, ठीक है। तो इसी के लिए हम करते हैं लीकेज टेस्ट। तो लीकेज टेस्ट के लिए बहुत ईजी है, सबसे पहले एक हम वैक्यूम चैम्बर ले लेते हैं, ठीक है। वैक्यूम चैम्बर, दैट मीन्स इसके अंदर वैक्यूम का प्रेशर लगेगा, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें क्या लेते हैं, जो हमारी ये जो मैंने ब्लैक कलर के डॉट बनाया है, सपोज कर लो कि ये 1% सोडियम मिथाइलिन ब्लू का सोल्यूशन है, ठीक है। मिथाइलिन ब्लू है, दैट मीन्स ब्लू कलर की होगी, ठीक है। तो ये मिथाइलिन ब्लू का सोल्यूशन है, उसमें जो रेड कलर के यहाँ पे दिख रहे हैं, आपको पता है कि जो मैंने बनाए थे सैंपल के लिए, जो हमारा टेस्ट सैंपल है, तो इनको क्या करते हैं हम, जो ये मिथाइलिन ब्लू का सोल्यूशन है इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। अगर इसमें कहीं पर से भी लीकेज होगी तो चांसेस हैं कि जो हमारा मिथाइलिन ब्लू सोल्यूशन है वो इसके अंदर एंटर कर जाए, ठीक है।
तो अगर सपोज कर लो कि हमने दो प्रिपरेशन यहाँ पे डाली हैं, ठीक है, सपोज कर लो एक के अंदर एंटर नहीं किया और एक के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब हमने वैक्यूम ऑफ करी, हमने इस चैम्बर से सारी की सारी प्रिपरेशंस को निकाला बाहर, जो भी मेरे टेस्ट सैंपल थे, यहाँ पे मैंने अभी दो दिखाए हैं बट बहुत सारों को एक साथ कर लेते हैं, ठीक है, सबको हमने बाहर निकाला। उसके बाद हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि किस वाली किसी एम्प्यूल के अंदर कहीं ब्लू कलर का कोई सोल्यूशन तो नहीं है, ठीक है, अगर ब्लू कलर का सोल्यूशन गया होगा दैट मीन्स कि उसमें कुछ ना कुछ लीकेज है, जिसकी वजह से जो मिथाइलिन ब्लू था बाहर प्रेजेंट वो अंदर चला गया, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी पेरेंटल प्रिपरेशंस होती हैं बिल्कुल क्लियर होती हैं, ठीक है, तो अगर थोड़ा सा भी अगर ये ब्लू कलर अंदर जाएगा तो उसमें आपको डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो जिस वाली प्रिपरेशन में अंदर मिथाइलिन ब्लू गया है उस वाली प्रिपरेशन को हम रिजेक्टेड मानेंगे, ठीक है, और जिसमें नहीं गया है इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। लास्ट आ जाता है क्लेरिटी टेस्टिंग, तो क्लेरिटी टेस्टिंग हम एमपीओसी या वॉल्स में विजिबली करते हैं, दैट मीन्स हम उसमें ये देखते हैं कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल या फिर कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स किसी भी हमारी जो पेरेंटल प्रिपरेशन है उसमें प्रेजेंट तो नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पेरेंटल प्रिपरेशन हमेशा एक क्लियर सोल्यूशन होता है, उसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होता है। अब उसमें कोई भी सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट है दैट मीन्स वो इम्प्योर है और उस वाली फॉर्मुलेशन को हम रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है, तो इसको डिटेक्ट करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 माइक्रोमीटर तक के अगर कोई भी सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे डिटेक्ट कर सकते हैं हमारे क्लेरिटी टेस्ट एपरेटस से, ठीक है। तो इस एपरेटस में क्या होता है कि जो पीछे की पूरी शीट है एक साइड पूरी ब्लैक होती है और एक साइड पूरी व्हाइट होती है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने वायल्स को पहले ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे चेक करेंगे, फिर हम व्हाइट बैकग्राउंड में चेक करेंगे, ठीक है, ऊपर से व्हाइट लाइट आएगी जिससे कि आपको इजिली विजिबल होगा, ठीक है। उसके अलावा विजिबिलिटी को या फिर मैग्नीफिकेशन को और बढ़ाने के लिए हम इसमें लेंसेज का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, तो 2.5x के लेंसेज को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम इजीली कोई भी अगर इसमें सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है, कोई भी डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज कर लो ब्लैक बैकग्राउंड है, इसमें हमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं पता चली, तो हम व्हाइट बैकग्राउंड में चेक करेंगे। अब सपोज कर लो व्हाइट बैकग्राउंड में हमें कोई इम्प्योरिटी अगर इसमें दिख गई दैट मीन्स हमारा सैंपल है वो हो जाएगा फेल, अगर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं दिखी तो दैट मीन्स हमारा सैंपल पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेस्ट को बोला जाता है क्लैरिटी टेस्टिंग। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन एंड आई विल आंसर देम एज़ सून एज़ पॉसिबल। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फार्मा इंस्टीट्यूशन एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन माई इंस्टाग्राम एंड आई विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ एंड कीप स्टडीइंग।